ओम गंगणपते नमः, जय माता रा। पाराशर ज्योतिर्विज्ञान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। आज भगवान शंकर के सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं और उस सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं जो भगीरथ जी ने गंगा जी की तपस्या से पूर्व भगवान शंकर के लिए किया था, तथा जिससे प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने गंगा जी को पृथ्वी पर उतरने के लिए भगीरथ जी को वरदान दिया था। भगीरथ जी ने गंगा उपासना, भगवान शंभु की उपासना की, और उस उपासना का जो महत्वपूर्ण स्तोत्र है, जिस स्तोत्र से वह तपस्या की, उस तपश्चर्या के पश्चात जिस स्तोत्र से, जिस सहस्त्रनाम से भगवान शंकर प्रसन्न हुए, वही आज हम आपके सामने पाठ करते हैं। यह देवी भागवत के अंतर्गत कहा गया है। भगीरथ उवाच, नमस्ते पार्वतीनाथ देवदेव परात्परा अच्युतानग पंचाश भीमाश्चा रुचिरानना व्याघ्रा आजिंधरानंत परा आवार विवर्जिता पंचानन महासत्वा महाज्ञानमय प्रभो अजिता मिद्दुर्घर्षा विश्वेश परवेश्वरा विश्वा आत्म विश्वभूतेशा विश्वाश्रय जगत्पते विश्वोपकारिन्न विश्वे एकधामहा विश्वा आश्रयाश्रया विश्वाधार सदानंद विश्वानंदनन्मोस्तुते सर्वसर्वविज्ञान विवर्जिता सुरोत्तमा सुरवंद्या सुरस्तुत्या सुरराजा सुरोत्तमा सुरपूज्या सुरध्येया सुरस्वरा सुरांतका सुरारिमर्दका सुरश्रेष्ठा ते अस्तु नमो नमः। त्वं शुद्ध शुद्ध बोधश्च शुद्धात्मा जगतां पते शंभु स्वयंभू उरत्युग्र उग्रकर्मोग्रलोचना उग्र प्रभावश्चात्युग्र मर्दको अत्युग्रः रूपवान उग्रकंठ शिवा शांता सर्व शांति विधायक सर्वार्थता शिवाधारा शिवा आजन निरमित्रजिता शिवदः सर्वकर शिवकर्ता च शिवहंता शिवेश्वर शिशुशेषवयुक्तश्च पिंगकेशो जटाधर गंगाधर कपर्दी च जटाजूट विराजिता जटिलो जटिलाराध्या सर्वदोन्नमत्तमानसा उन्नमत्तकेश उन्नमत्त उन्नमत्तानामधीश्वर उन्नमत्तलोचनो भीमस्त्रिनेत्रो भीमलोचन बहुनेत्रो द्विनेत्री च रक्तनेत्रा सुनेत्रका दीर्घनेत्रश्च पिंगाक्षा सुप्रभाख्यः सुलोचना सोमनेत्रो अग्निनेत्राख्या सूर्यनेत्रा सुवीर्यवान पद्माक्षः कमलाक्षश्च नीलोत्पलदलोल्लेक्षणा सुलक्षणा शूलपाणिः कपाली कपिलेक्षणा व्याघूर्णनयनो धूर्तो व्याघ्रचरमाम्बराव्रतः श्रीकंठो नीलकंठाख्या शीतकंठः सुकंठका चंद्रचूडश्चंद्रधरा चंद्रमौली शशाकभ्रता शशिकांतः शशाकभ शशाकांकित मूर्धजा शशाकवदनो वीरो वरदो वरलोचना सरश्चंद्र समाभासा सरदिंदु समप्रभा कोटि सूर्य प्रतीकाशश्च चंद्राशश्च चंद्रशेखरा अष्टमूर्तिर्महामूर्तिर् भीममूर्ति भयानका भयदाता भयत्राता भयहर्ता भयोज्जिता निर्भूतो भूतवंदश्च भूतात्मा भूतभावना कौपीन वाचः दुर्वाचा विवाचः कामनीपते करालः कीर्तिदो वेद्या कशोरो कामनाशना कीर्ति रूपः कुंतधारी कालकूट प्रताशना कालकूट स्वरूपी च कुलमंत्र प्रदीपक कल्लाकाष्ठ आत्मकः काशी विहारी कुटिलानना महाका आनन संवासी काली प्रति विवर्धना कालीधरा कामचारी कुल कीर्ति विवर्धना कामाद्री कामुकवराः कार्मुकी काममोहिता कटाक्षः कनकाभासा कनको ज्वलगात्रका कामातुरः क्वणत्पादा कुटिलभ्रुकुटीधरा कार्तिकेय पिताको कनदभूषणभूषिता खटभङ्गयोद्भा खङ्गी च गिरिशो गगनेश्वर गणाध्यक्षः खटेकद्रकः खर्वः खर्वतर खगा खगारूढा खगाराध्या खेचरा खेचरेश्वरा खेचरत्प्रदः अक्षोणीपतिः खेचरमर्दका गणेश्वरो गणपीताः गरिष्ठो गणभूपति गुरुर्गुरुतरो ज्ञेयो गङ्गापतिर्मर्कदा गीतप्रियो गीतरतः सुगोप्यो गोपवृन्दप गवारूढो जगभरतः गोस्वामी गोस्वरूपकः गोप्रदो गोधरो गृध्रो गरुत्मा आन गोकृताशन गोपीशो गुरुता आतश्च गुहावासी सुगोपिता गजारूढो गजाश्च गजजिन्धरोग्रज गहाध्यक्षो ग्रहगण दुष्टग्रह विमर्दका मानरूपी गानरत्ता प्रचंडो गान विहल्लः गानमत्तो गुणिगुह्यो गुणग्रामासयो गुणा गूढमूर्तिर्गूढपाद विभूषिता गोप्ता गोलोकवासी च गुणवान गुणिनावरा हरो हरित्वर्णाक्षो मृत्युमृत्युञ्जयो हरि हव्यभूधरि सम्पूज्यो हविर्हविर्भुजावरा अनादिरादिसर्वाध्या आदितेय वरप्रदा
अनंत विक्रमो लोको लोकानां पापहारका ईश्पति ही सद्गुणोपेतः सगुणो निर्गुणो गुणे गुण प्रीतो गुणवरो गिरिजा नायका गिरी गौरी भर्ता गुणाढ्यश्च गोश्रेष्ठ आसन संस्थिता पद्मा आसन पद्मनेत्रः पद्मतुष्टः पद्मपद्मका पद्मवक्र पद्मकर पद्मारूढपदाम्बुज पद्मप्रियतम पद्मालय पद्म प्रकाशक पद्मकानन संभाष पद्मकानन भंजक पद्मकानन संवासी पद्म अरण्य कृतालय प्रफुल्लवदना फुल्लकमलाक्ष प्रफुल्लकृत फुल्लेन्देवर संतुष्ट प्रफुल्ल कमलाशन फुल्लांभोजक अफुल्लमानस पापहारक पापापहारी पुण्यात्मा पुण्यकीर्ति पुण्यवान पुण्य पुण्यतमो धन्य सुपोतात्मा परात्मक पुण्येश पुण्यद पुण्य निर्त पुण्य भाजन परोपकारी पापिष्ठनाशक पापहारक पुरातना पूर्वहीना परद्रोहो विवर्जिता पीवरा पीवर मुखा पीनकाय पुरंतका पाशी पशुपति पाशहस्त पाषाण वित्पति पलात्मक परो वेत्ता पाशक बद्ध विमोचक पशुना आमधीप पाशच्छेत्ता पाश विभेदक पाषाणधारी पाषाणसयान पाशी पूजिता पश्वारूढ़ पुष्पधनु पुष्पवृंद सुपूजिता पुंडरीक पीतवासा पुंडिकाक्ष वल्लभ पानपत्रकर पानमत्त पान आदि भूतक पोष्टा पोष्टपूत परित्राता अखिलेश्वर पुंडिकाक्षकर्ता च पुंडिकाक्ष सेविता पल्लवस्थ प्रपीठस्था पीठ भूमि निवासक पिता पितामह पार्थ प्रसन्नो अभीष्टदायक पित्राणां प्रीतिकर्ता च प्रीतिद प्रतिभाजन प्रीत्या आत्मक प्रीति वसी सुप्रीत प्रीतिकारक प्रीतिहरत् प्रीतिरूपात्मनः प्रीतियुक्तस्तमेव हि प्रणता आरती हरा प्राणवल्लभ प्राणदायक प्राणी प्राणस्वरूपश्च प्राणग्राही मुनिर्दय प्राणनाथ प्रीतमनाः सर्वेषां प्रपितामह वृद्ध वृद्ध रूपश्च प्रेतः प्रणयनाम्बर पराधीश परम ज्योति परम नेत्र परात्मक पा आरुच्चरति पुत्री पुत्रदा पुत्ररक्षक पुत्रप्रिय पुत्रवश्च पुत्रवत् परिपालक परित्राता परावास परचेता परेश्वर पति ही सर्वस्य संपाल्यः पावमानः परोन्तका पुरः पुरोहूतश्च त्रिपुरारी पुरन्तका पुरन्दरो अति संपूज्य प्रघर्षो दुष्प्रघर्षण पटुः पटुत्तर प्रौढ प्रपूज्य प्रवतालय पुलिनस्था पुलस्त्याख्या पिङ्गचक्षुः प्रपन्नका अभीरु ऊरसीता अङ्गश्च चण्डरूपस्थितङ्गका सर्वविद्या विनोदश्च सर्वसुखयुता सदा सुकर्ता सुखसुखी सर्वसुखी सर्वलोके कपावन ओम सदा आवन्न सार्दश्च सुसिद्ध शुद्ध रूपक सारह सारतरा सूर्य सोम सर्व प्रकाशक सोम मंडल धारी च समुद्र सिंधु रूपवान सुरजेष्ठ सुरश्रेष्ठ सुरा आसुर निखेवित सर्वधर्म विनिर्मुक्ता सर्वलोक नमस्कृत सर्वाचार्युत शोरा साक्त परमेश्वरैष्णव सर्वधर्म विद्या आनज्ञ सर्वाचार प्रसायण सर्वरोग प्रशमन सर्वरोग प्रहारक प्रकष्ट आत्मा महात्मा च सर्वधर्म प्रदर्शक सर्वसंपद्यतसर्वसंपद्दा आनः समेक्षणा सहाश्च वदनो हाश्च युक्ता प्रहसीता आनना साक्षी समक्षवक्ता च सर्वदर्शी समस्तवेत् सक्लज्ञः समर्थज्ञः सुमनाः सैव पूजिता शोक प्रशमनः शोकहन्ता आशोच्यः शुभान्विता शैलज्ञः शैलजानाथ शैलनाथ सनेश्चरः शशांक सद्रष्ट ज्योतिः शशांक अर्धविराजिता साधु प्रिय साधु तम साध्वी पतिर्लौकिका शून्य रूप शून्य देह शून्यस्थ शून्य भावना शून्यगामी शमशानस्थ शमशान आधिपति सुवाक सत्सूर्य अप्रभ सूर्य सूर्यदीप्त सुरार्य शुभान्वित शुभतनु शुभ बुद्धि शुभात्मक शुभान्वित तनु शुक्लतनु शुक्ल प्रभान्वित शुशो ओक्ल शुक्लदर्शन शुक्लाभ शुक्लमाल्यक्त शुक्लपुष्प प्रिय शुक्लवत्न शुक्लकेतना शेषा आलंकृण शेषरहिता शेषवेष्टिता शेषारूढ़ शेषसाई शेषांग विराजिता सती प्रिया सा आंसकश्च असंदर्शी समाधिवान सत्संगी सत्प्रिया आसंगिनी संगी संग वर्जिता सहिष्णु सास्वतेश्वर्य संगानरत सदा संवेत्ता संसत्र श्याम पतिरेशेक भुका तारणी पतिरा ताम्र नयनस्वरी ता प्रिया सामवेत्ता साम्यतर श्याम पतिरेशेक भुका तारणी पतिरा ताम्र नयनस्तरिता प्रिया
तारात्मक अस्तवक्र अस्तस्नस्तरुण आरिमनोरता तृप्तिरूपस्तृप्तिकर्ता तारका निकेवित तारात्मक अस्तवस्तन स्तरुण ही रमणोरता तृप्तिरूपस्तृप्तिकर्ता तारकारी निखेवित वायुकेशो भैरवेशो भवानी सो भवंतका भवबंधुर्भवहरो भवबंधन मोचना अभिभूतो अभिभूतात्मा सर्वभूत प्रमोदका भुवनेशो भूतपूज्यो भोगमोक्ष फलप्रदा दयालुर्दीननाथश्च सुसहो दैत्यमर्दका दक्षकन्या पतेर्दुःखनाशको दन्धान्यदा दयावाना देवतश्रेष्ठो देवगन्धर्वसेविता नानायुद्धरो नाना पुष्पगुच्छविराजिता नाना सुप्रदो नाना मूर्तिधारी च नर्तका नित्यविज्ञानसंयुक्तो नित्यरूपो निलो अनाला लब्धवर्णो लघुत्तरो लघुत्वपरे वर्जिता लोलाक्षो लोकसंपूज्यो लावण्यप्रसंयुता नापुरिण्या आससंतश्च नागेशो नगपूजिता नारायणो नारदश्च नानाभरणभूषिता नगभूतो नग्नदेशो नग्नसानन्दमानसा नमस्ते उन्नतनाभिश्च नम्रमूर्धा अभिमन्तिता नन्दिकेशो नन्दिपूज्यो नानानिरजमध्यगा नवीन बिल्लवपत्रो गतुष्टो नवघनद्युति नन्दः सानन्दः आनन्दमयिश्चानन्द विहल्लव नाल संस्था सुवनस्था सुसस्था सुसस्थमतिस्तथा स्वल्प सनो भीम रुचि एरभुना अंतकरंबुदा आसन्नः सिक्ता आलीनो वृखाशीनो वृखाशन वैरश्चद्रहितो वीर्यो प्रतिवृत्त पराजन ब्रह्मजो विद्यामयो विद्यप्यासी विद्यापतिस्तथा घंटाकरो घोटकस्थो घोररावो घनस्त्वना घूर्णचक्षु घूर्णात्मा घोरः सोगभीरधि चण्डीपतिश्चण्डमूर्तिश्चण्डमुण्डी प्रचण्डवाक् चितासंस्थश्चितावासश्चितिर्दङ्करस्सदा चिताभस्माभिसंलिप्तः चिता आनत्य पराजन चिता प्रमोदी चित्साक्षी चिंतामणिर्चिंतक चतुर्वेदमयश्च हाक्षो चतुरा आनन पूजिता चीरवाशाशको राक्षश्चलन्मूर्तिश्चलेक्षण चलत्कुण्डलभूषढ्ढश्चलद्भूषण भूषिता चलन्नेत्रश्चलत्पादश्चलन्नूपुरवाजिता स्थावरा स्थिरमूर्तिश्च स्थावरेशः स्थिरालय स्थापकः स्थिरेरनिरतः स्थूलरूपी स्थालय स्थिरजातिना स्थिति परः स्थाणुरूपी स्थाधिप एहिको मदना आर्तः मही मण्डन पूजिता मही प्रियो मत्तरत्तो मीनकेतु विमर्दका मीनरूपो मीनसंस्थो मृगहस्तो मृगाशना मार्गस्थो मेखलायुक्तो मैथलेश्वर पूजिता मिथ्याहीनो मंगलदो मंगल्यो मकराशना मतश्च प्रियो मधुरः गेर्मधुपानपराजना मृदुवाकाजप्रः सूरप्रियो मोदन्वितस्तथा मुंडा आलिभूषणो दंडे उद्दंडो ज्वलोचना असाध्य साधका सूरसेव्यः अशोकापनोदना श्रीपति श्री सुसेव्यश्च श्रीधर श्रीनिकेतना श्रीमदहं श्रीस्वरूपश्च श्रीमान्न श्रीनिलयस्तथा श्रमा आदि क्लेशरहितः श्रीनिवासः श्रीयान्वितः श्रद्धालु श्रद्धदेवश्च श्रद्धुः मधुर्वाक्तथा प्रलयङ्नयकर्कसङ्काशः प्रमत्तन्नयनोज्ज्वलः अस आध्या साधका सुरसेव्य शोकापनोदना विश्वभूतमयो विश्वानरनेत्रोऽधिमोहकृत लोकत्राण परोपार गुण आपार विवर्जिता अग्निर्जिह्वो द्विजाश्च विश्वाश्च सर्वभूतग्रका खेचरा खेचराधीशा सर्वग सर्वलौकिका सेना आनीजनकः क्षुब्ध आब्धिरवा आरिक्षो भो विनाशका कपालः विलसद्भस्तः कमण्डलोः प्रदर्शिता केवलात्मस्वरूपश्च केवलाज्ञानरूपका व्यो ओमालः निवासी च वृद्धो ओमस्वरूपका अम्भोजन नयनो ओम्भोधीशयानः पुरखातिग निरालंबो अवलंबश्च संभोगानंदरूपका योगनिंद्रामयो लोक प्रमोहा प्रहरात्मका बृहद्वत्रो वृद्धनेत्रो वृद्धर्भौवृद्धल्वः योगनिंद्रामयो लोक प्रमोहा प्रहरात्मका
ब्रद्वक्त्रो ब्रद्नेत्रो ब्रद्बाहु ब्रद्वल्लः ब्रद्दत्सर्पाङ्गदो दुष्टब्रद्दपालः विमर्दकः ब्रद्दबुद्वलोन्मत्तो ब्रद्दतुण्डो ब्रद्दपपु ब्रद्देश्वर्य आयुक्तश्च ब्रद्देश्वर्यतः स्वयं ब्रत्तसंभोगसन्तुष्टो व्रतानन्ददायक व्रज्जटाजूटधरो वृन्नमाली ब्रन्दन्नुः इन्द्रियाधीष्टः सर्वलोकेन्द्रिया विमोहकृता सर्वेन्द्रियप्रवर्तिकृतः सर्वेन्द्रियनिवृत्तिकृता प्रवृत्तिनायक सर्वविपत्तिपरिनाशक प्रवृत्तिमार्गनेता त्वं स्वतन्त्रे एच्छयामय स्वयम् सत्प्रवृत्ति ईरतो नित्यं दया आनन्दिवाधरा इक्षिति रूपः अस्तो ओयरूपिः विश्वतृप्तिकरस्तथा तर्पतःर्पणः सम्प्रीतस्तर्पकस्तर्पणात्मकः तृप्तिकारणभूतश्च सर्वतृप्तिप्रसादकः अभेदो भेदकोच्छिद्य छेदको उच्छेद एव हि अछिद्यन्न धन्वा आछिन्ने पुरश्छिन्नध्वज वाहना अद्रष्टः समाद्रष्टा अस्त्रः संद्रष्टो ओबलोन्नतः चित्रयोधिः चित्रकर्ता विश्वसंकर्षका त्वयं भगतानामिभिक्षितकरा सर्वेक्षितफलप्रदा वाञ्छिताभीष्टफलदो भिन्नज्ञानप्रवर्तका बोधनात्मा बोधनार्थादिकः सर्वप्रबोधकृता त्रिजटश्च एकजटिलश्च अजूटो भयानका जटाटीनो जटाजूटस्प्रः आवरवच स्वयं खा अन्नमातुरश्च जनकः शक्ति प्रहताम्बरा अनर्घास्त्रप्रहारिः चानर्घद्धन्वा महार्घपात् योनिमण्डलमध्यस्थो मुखयो निर्जम्भणा महा आद्रिसदृशश्वेताश्वेतपुष्पस्त्रगन्विता मकरन्दप्रियो नित्यं मासतुरः यानात्मकः नानाप्रपुष्पः प्रसूर्नानापुष्पेर्चिद्गात्रकः खडङ्गयोगनिरताः सदा योगार्धमानसा सुरा आसुर्निखेव्याग्रीर्विलसत्पादपङ्कजा सुप्रकाशित् वक्त्राब्जा सेते तरगदोज्ज्वला वेनते यः समारूढा शरदिन्दुसहस्रत जज्ज्वलल्यमानस्तेजोभिर्जज्ज्वलपुञ्जो यमस्त्वयम् प्रज्वलद्विद्युता आभश्चः सट्टः आसभयङ्करः प्रलयानलरूपी च प्रलया अग्निरुचिः स्वयं जगतामेकपुरुषो जगताम् प्रलयात्मकः प्रसीदत्वं जगन्नाथ जगद्धोने नमस्तु ते श्री महादेव उवाच एवं नाम सहस्रेण राज्ञा वै संस्तुतो हर प्रत्यक्षः मगतः सस्यः सुप्रसन्ना मुखाम्बुजा सत्तं विलोक्यः त्रिदेशेकनाथं पञ्चाननं चेतरुचि प्रसन्नं वृषाढिरूढम् भुजङ्गाङ्गदेरयुत्वं ननर्दराजा धरणी भुजाम्बरः प्रोवाच चेदं परमेश्वराद्धमे एतानि सर्वाणि सुखार्थकानि तपश्च होमश्च मनुश्च जन्म जत्वा प्रपन्नामि दशापरेशं मत्तो न धन्योऽस्ति महीतले वा स्वर्गे यतस्त्वं मम नेत्रगोचर सुरासुराणामपि दुर्लभैक्षेण परात्परा पूर्णमयो निरामयः ततस्मेवं प्रतिभाषमाणं प्राह अपनार्ति हरो महेश्वर किं ते मनोवाञ्छेत्मेव विद्यते वृणुस्तु तत्पुत्र ददामि तुभ्यं स चापूर्वं कपिलश्च शापत् पतालरन्ध्रे मम पूर्ववंशजाः भस्मी बभूव सागरश्च पुत्रा महाबलादेव समान विक्रमाः ते खामतु निस्तारण काम्ययाह्यं गङ्गां धरण्यामपि ते तु मीहे सा तु तदीय परमा हि शक्ति विना ज्ञया ते नहि याति पृथ्वीं तदेतदिच्छामि समेत गङ्गाक्षितो महावेगवती महानदी प्रविश्य तस्मिन्न विव्रे महेश्वरी पुनाति सर्वान् साग्रश्च पुत्रान् इत्येवमाक्रमण्यवच परमेश्वर प्रोवाच्य वाक्यं स्थितिपालपुङ्गं मनोरथस्थेयमवेहि पूर्णो मम प्रसादाचिराद् भविष्यति ये चापि मां भक्तित एवं नृत्याः स्तोत्रेण चाने नृपास्तवन्ति ते कामतु पूर्णा सकला मनोरथा ध्रुवं भविष्यन्ति मम प्रसादात् श्रीमहादेव उवाच इत्येवं च वरं लब्धा राजा हष्टमना आस्तता दण्डवत्तप्रणिपत्याः धन्योऽहं तत्प्रसादता ततश्चान्तर्देहे देवः क्षणादेव महामते राजा निर्वृत्तचेता सा बभूव मुनिसत्तमा राज्ञा कृतम् इदं स्तोत्रं सहस्राणां सङ्गकम् य पठेत् पर्या भक्त्या स कैवल्यम् आप्नुयात् न चेहेतुकं कुत्रापि जायते तस्य नारदा
जायते ए परमेश्वर्यः प्रसादाच्चा महेशितु महा आपदि भये घोरे य पठेद स्तोत्रमुत्तमं संभोर्णां सहस्त्राक्षं सर्वमंगलवर्धनं महाभयहरं सर्वसुखसंपदित्तिदायकं समुच्यते महादेव प्रसादेन महाभयात् दुर्भिक्षे लोकपीडानां देशो उपद्रव एव वा संपूज्य परमेशानं धूपदीपादिमुनिर्मने य पठेद पर्या भक्त्या स्तोत्रं नाम सहस्त्रकं न तस्य देशे दुर्भिक्षा न च लोकदीपीडनं न चान्योपद्रवो वापि भवेत् सुनिश्चितम् प्रजन्नयोऽपि यथा काले वृष्टि तत्र करोति हि यत्रेदं पठते स्तोत्रं सर्वपाप प्रणाशनं सर्वश्चायुता पृथ्वी तस्मिन् देशे भवेद्भुवं न दुष्टः अबुद्धिर्लोकानां तत्र स्थानं भवेदपि न काले मरणं तत्र प्राणिनां जायते मुन नाहिंस्तेस्तत्र हिंसन्ति देवदेव प्रसादता धन्या देशः प्रजा धन्या यत्र देशे महेश्वरं संपूज्य पार्थिवं लिङ्गं पठेद्यन्नेत्रः उत्तमं चतुर्दश्चातुकृष्णायां फाल्गुने मासि भक्तिता या पठेत परमेशश्च नाम्नां दत्तताख्यकं स्तोत्रमत्यन्त सुखदं न पुनर्जन्म भाग् भवेत् बाहुतुल्यं बलो नूनं विहीर्णे धरणीतले धने सतुल्यो धनवा आनन्दकन्दर्प समरूपवान् वरे ए देवता तुल्यो निग्रहानुग्रहे क्षमा गंगायां वा कुरुक्षेत्रे प्रयागे वा महेश्वरं परिपूज्य पठेद्यस्तु स कैवल्यं वाप्नुयात् काश्यां यस्तु पठेद्दे तत्स्तोत्रं वा परमङ्गलं तस्य पुण्यं मुनिश्रेष्ठः किमहं कथयामि ते एतत् स्तोत्रप्रसादेन या जीवेन्नन्नः मानव साक्षन्न महेशतामेति मुक्तिरन्तेकरस्थिता प्रत्यक्षं प्रपठे एदेतः बिल्वमूले नरोत्तम स सलोकं वाप्नोति देवदेव प्रसादता यो हि आठजीत स्तोत्रं सर्वपाप निवारणम् समुच्यते महापापा सत्यं सत्यं वदामि ते न तश्च ग्रहपीडाः चन्ना आपनत्तु भयं तथा न तं विखन्ति राजानो न वा व्याधि भयं भवेत् पठे एदे तद् दिदि जात्वा देवदेवं सनातनं सर्वदेवमयं पूर्णं रजताद्रि समप्रभं प्रफुल्लपङ्कजा आश्यां च चारुरूपं बृहद्भजं जटाजूटज्वलत्का आलकूट सोविद्विग्रहं त्रिशूलं डम्रूचेव दधा आनन्दक्षमा वामयो द्विपिच्चरमाम्बरधरं शान्तं त्रिलोकमोहनम् एवं हृदि नरो भक्त्या विभाभ्येत्पठेद्यति इहि भुक्त्वा परं भोगं परत्र च महामये शम्भो स्वरूपतां जाति किमन्यत् कथयामि ते तत्रैव सद्भक्तियुता पठेदिदं स्तोत्रं मम प्रीतिकरं परं मुने मृत्यो हि यो अन्यः खलु सोऽपि क्रच्छः जगद्वित्रायत एव पापत श्री महाभागवते उपुराणे भरि भगीरथ प्रोक्तम शिव सहस्त्र नाम स्तोत्रम संपूर्णम। इस प्रकार इस सहस्त्र नाम के अंतर्गत भगवान शंभु ने स्वयं कहा है फलश्रुति में कि जो बिल्व वृक्ष के मूल में बैठकर इस सहस्त्र नाम का पाठ करता है उसके समान इस लोक में कोई भी नहीं है। बड़े से बड़े दुर्भिक्ष का विनाश इस सहस्त्रनाम के पाठ से किया जा सकता है। 10 बार अथवा 100 बार 100 बार इसका पाठ करने से विशिष्ट फल की प्राप्ति होती है, अर्थात 100 बार पाठ करने से इसका पुष्टिकरण हो जाता है। इस स्तोत्र के पाठ से विद्यार्थी को विद्या, पुत्र प्राप्त करने वाले को पुत्र, स्त्री प्राप्त करने वाले को स्त्री तथा मनोवांछा की प्राप्ति होती है। इस प्रकार इसकी फलश्रुति में श्री महादेव जी ने कहा है। सभी लोग श्रावण के पुण्य समय में फाल्गुन मास में अथवा नित्य भी इस स्तोत्र का पठन करें, श्रवण करें, भगवान शंभु की कृपा होगी। शुभम भवतु। भगवान गणपति तथा मातारा आपका कल्याण करें।